क्लैश स्क्वाड पे जल्दी जल्दी रैंक पुश करना है तो आपको नूब लॉबी ट्रिक यूज करना चाहिए, बट कोई ग्लीच नहीं, फेयर नूब लॉबी ट्रिक, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विद लाइव प्रूफ। टोटल 5 ट्रिक है, इसलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। सीक्रेट नूब लॉबी ट्रिक। इस ट्रिक में करना क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एड फ्रेंड में जाना होगा। एड फ्रेंड में जाके यहाँ पे आपको ना जितने भी ब्रॉन्ज का प्लेयर मिलता है उसको रिक्वेस्ट भेजो। ओके, रिक्वेस्ट भेजो यहाँ पे जितने भी प्लेयर मिल रहा है। देखो ऐसे मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल रहा है तो गाइस यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है, मतलब ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा है। जो भी प्लेयर अभी के टाइम में प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन शो कर रहा होगा, उन्हीं को रिक्वेस्ट भेजो। मैंने अभी 2 फ्रेंड यहाँ पे ऐड कर लिया है जो ब्रॉन्ज का, ताकि वो लोग जल्दी रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट कर ले और आपके साथ खेल ले। ठीक है, यहाँ पे देखो 2-3 प्लेयर आ चुके हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में, और सबसे पहले आप देखो एक माही नाम का प्लेयर है, वो भी देखो गाइस। ठीक है, ये प्लेयर ब्रॉन्ज का है। अब इसके साथ जैसे मैंने मैच मेकिंग करके स्टार्ट किया, आप लोग देखना होता क्या है। ओके, यहां पे देखो प्लेयर आ चुका है और हम लोग देखते हैं ये नूब लॉबी ट्रिक वर्क हुआ है कि नहीं। आप लोग देख सकते हो मैं रैंक हीरोइक पे था। ओके, मैं हीरोइक का 10 स्टार प्लस था और यहाँ पे देखो मैं जब हीरोइक में था तो यहाँ पे एवरेज रैंक यहाँ पे डायमंड 2-3 शो क्यों कर रहा है, आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे। एंड प्लस यहाँ पे इस गेम को मैंने बूया भी किया विक्ट्री। ओके, मैं आपको सेकेंड अटेम्प्ट भी दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरा बार भी ट्राई करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करके दिखाते हैं और यहाँ पे सबका रैंक वगैरह देख सकते हो। ठीक है, माही भाई का रैंक है और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रिक उन्हीं प्लेयर के साथ यूज करना जो प्लेयर गाइस खेलने में थोड़ा ठीक भी हो ब्रोंज में। ओके, देखो गाइस यहां पे भी देखो डायमंड 2-3 का प्लेयर है जबकि मैं हीरोइक पे हूं, मैं तो आराम से खेल दूंगा ये लॉबी पे, है कि नहीं, क्योंकि इस डायमंड 2-3 का लॉबी जो इजी होता है हम लोग के लिए, क्योंकि हमने हीरोइक पहले अचीव कर चुका है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको अभी नूब लॉबी ट्रिक चाहिए तो ये सीक्रेट नूब लॉबी ट्रिक आपको यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, डायमंड इंस्टेंट नूब लॉबी ट्रिक। देखो फ्रेंड्स, यहां पे जो नूब लॉबी ट्रिक है इसमें आपको 3 डायमंड का प्लेयर चाहिए, 3 डायमंड का आप हीरोइक या फिर आप मास्टर का भी चलेगा। ठीक है, लेकिन करना कैसे है ये ट्रिक को यूज करने के लिए हमें चलना होगा गेम पे। तो चलो तो मैं हूं गेम पे। आपको करना क्या है, इस नूब लॉबी ट्रिक करने के लिए आपको सबसे पहले देखो यहां पे क्लैश स्क्वाड देख रहे हो गाइस गेम पे, यहां पे आपको ग्रुप वगैरह सिलेक्ट नहीं करना है, ग्रुप नहीं बनाना, आपको अपनी जो वर्ल्ड चैट है उसमें आना है। ठीक है, यहां पे आप लोग रिक्रूट वाले सेक्शन में आने से भी चलेगा, यहां पे सीएस रैंक सिलेक्ट करके रखना, जितने भी सीएस का रिक्वेस्ट आएगा ना सबसे पहले आपको टॉप पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सीएस का रिक्वेस्ट आ रहे हैं उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे मैंने सिलेक्ट करके रख दिया, कुछ-कुछ प्लेयर का यहां पे देखो गाइस ग्रुप फुल है, लेकिन एक प्लेयर मुझे मिला गाइस, आप लोग देखो रैंडम प्लेयर है, वर्ल्ड चैट से मैं इनका लॉबी में चला गया, लेजेंड नाम है। ठीक है, यहां पे आप लोग देख लो लेजेंड इज ओपी इनका। जब मैं रैंडम वर्ल्ड चैट में चला गया तो देखो गाइस ये जो वर्ल्ड चैट देख रहे हो गाइस, यहां पे आपको ये चीज देखना है कि कितना प्लेयर डायमंड का है। ठीक है, 3 प्लेयर डायमंड का होना चाहिए। देखो आपके फ्रेंड लिस्ट में 3 डायमंड प्लेयर एक टाइम में ऑनलाइन नहीं होगा, इसलिए मैं सोचा आपको ये ट्रिक बता दूं। देखो गाइस आपको वर्ल्ड चैट से ही 3 डायमंड लेके यहां पे स्टार्ट करना है। देखो यहां पे माफिया है, राय स्टार है, ठीक है, यहां पे मास्टर है और एक अपना लेजेंड भाई। तो मैंने यहां पे देख सकते हो इस गेम पे हूं और यहां पे देखो ओपोनेंट, यहां पे देखो हम लोग को एवरेज रैंक आपको क्या दिखा रहा है, डायमंड, गुड, यहां पे देखो डायमंड 4 दिखा रहा है एवरेज रैंक, यहां पे सामने भी डायमंड 4, मतलब यहां पे 2-3 प्लेयर यहां पे डायमंड का आया है। ठीक है, एक प्लेयर हीरोइक का है एंड मैंने इस गेम को विक्ट्री भी किया बूया विद अ 4-2। यहां पे देखो गाइस मैं आपको फिर से एक और अटेम्प्ट करके दिखाता हूं ताकि आपको विश्वास रहे इस ट्रिक पे। ओके, तो देखो मैं हीरोइक पे हूं, बाकी सारे प्लेयर डायमंड की प्लेयर है। ओके, यहां पे जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंडम से, ठीक है, मतलब वर्ल्ड चैट का प्लेयर सब है, इनके मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है। ओके, तो यहां पे देखो फिर से मैंने आपको यहां पे नेक्स्ट टर्म ऐप लेके आके दिखा दिया और यहां को मैंने गन सिलेक्ट किया। अब देखो ना गाइस, देखो यहां पे मैं हीरोइक शो कर रहा है एवरेज रैंक हम लोग का और उनका क्या शो कर रहा है, डायमंड 4, मतलब यहां पे ओपोनेंट में 2-3 प्लेयर डायमंड का आया है, इसलिए यहां पे एवरेज रैंक आपको डायमंड शो कर रहा है। तो यहां पे इस गेम को भी हमने विक्ट्री कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरा अटेम्प्ट, लेकिन स्पेशल सीएस रैंक प्लेयर।
पे, ठीक है। तो सीएस रैंक भी जो अगर कोई खेलता है तो वो भी देख लो। यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था इन्हीं प्लेयर के साथ, मास्टर वगैरह, लेजेंड भाई एंड अपना, देखो गाइस यही सारे प्लेयर के साथ जब मैंने स्टार्ट किया, आप लोग देखो माफिया वगैरह भी था। तो देखो सामने डायमंड 4 का वापस से आया, ये स्पेशल सीएस रैंक है। मतलब ये ट्रिक जो है गाइस आपके सबके साथ काम कर रहे, ठीक है, मतलब हर एक मोड में काम कर रहे। तो मैं बोलूंगा ये ट्रिक को डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, टीम कोड नूब लॉबी ट्रिक। यस माय फ्रेंड, टीम कोड नूब लॉबी ट्रिक। यहां पे हम लोग टीम कोड से अपनी ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, मतलब दूसरे के ग्रुप में जाएंगे टीम कोड से। यहां पे हम लोग करना क्या है, सबसे पहले आप लोग ग्रुप बनाना है एक, एंड इस ग्रुप में आपको हमेशा ये चीज याद रखना, जो लास्ट का नंबर रहता है ना, लास्ट का दो डिजिट वो हमेशा सेम रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां से देखो, वापस से देखो, 66 दिखा रहा था, इसमें भी 66 है। देखो अगर 66 नहीं होता है, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे देखो 66 ना लास्ट में। ये चीज हमेशा याद रखना, लास्ट का दो डिजिट हमेशा सेम रहता है आपका टीम कोड में। बस आपको करना क्या होगा, जो फ्रंट का जो चार डिजिट रहता है वो याद रखना, बाकी दो जो डिजिट रहता है बीच का उसको बस चेंज करना पड़ता है। आपका जो वैल्यू रहता है बीच का वैल्यू उसको बस चेंज करना पड़ता है। लाइक 1 का बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 का बाद 3 आता है, वही आपको बस चेंज करना पड़ता है। यहां पे वही सारे चेंज चीज है, यहां पे आपको फिर से दिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, टीम कोड में जाऊंगा एंड यहां पे लिखूंगा 6763166। ओके, यहां पे देखो मैं किसका ग्रुप में आ गया, किसी रैंडम ग्रुप में आ गया, आप लोग देख ही सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फिर से दूसरे ग्रुप में जाएंगे, 676, यहां पे लास्ट में 26। देखो मैं ये जो ट्रिक है गाइस, मैं हर एक टीम कोड में घुस सकता हूं, या टीम कोड से मैं क्या करूंगा, किसी ऐसा ग्रुप में चले जाऊंगा गाइस जो मतलब थोड़ा सा वीक हो लेकिन खेलने में अच्छा होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 6811766 है, ओके, टीम कोड है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टीम कोड वाली सेक्शन को आप लोग वापस से देख लो, 6813666 है, मतलब अब हम लोग को एक इनपुट जो है गाइस, एक नंबर उसको बस चेंज करना है, ठीक है। 66 वही रहेगा, 68 वही रहेगा, यहां पे बस हम लोग 37 चेंज करेंगे, ठीक है, 36 था 37 कर देंगे एंड 66 लास्ट में लगा देंगे। और देखो एक ग्रुप में मैंने आ गया। अब ये जो ग्रुप है ये अच्छा ही लग रहा है, ठीक ठाक ग्रुप है। अब इस ग्रुप में हम लोग आके खेल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये रैंडम ग्रुप है, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोगों इनका वो भी कम है गाइस, ठीक है, रैंक स्कोर भी कम है। अब जैसे हम लोग किसी कम रैंक स्कोर के साथ खेलते हैं, अच्छे टीममेट भी रहते हैं, तो उनके साथ अगर हम लोग खेलेंगे तो यहां पे देखना ओपोनेंट भी थोड़ा सा वीक आता है, ठीक है। तो देखो गाइस यहां पे हम लोग डायमंड का है, हम लोग मतलब ओपोनेंट डायमंड का है, और हम लोग को एवरेज रैंक क्या दिखा रहा है, हीरोइक है, मतलब मेरा दो बंदा टीम में हीरोइक है, दो डायमंड का है, ओपोनेंट में 3 बंदा डायमंड का है, एक हीरोइक का है, ओके, एवरेज रैंक आप लोग देख ही सकते हो, मतलब ये ट्रिक भी वर्क हुआ है, ओके। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक ऐसा ट्रिक जो आपको बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 ट्रिक में करना क्या है, आपको बस अपनी टीममेट को, एक कोई टीममेट को अपनी अपनी जो फ्रेंड लिस्ट में उसको बस पकड़ोगे, ठीक है, उसका रैंक ना बस देखना गाइस, कम थोड़ा कम रैंक हो और उसका जो लेवल है वो भी थोड़ा कम होगा, ठीक है, बोल के चल सकते हो गाइस, वो आपका फ्रेंड लिस्ट में थोड़ा अच्छा प्लेयर होना चाहिए जो खेलने का लायक हो। तो मैंने यहां पे उसको मैसेज किया है, मेक ग्रुप ब्रो बोल के, ठीक है, तो मैंने उसको मैसेज किया, उसने बोला ओके, ठीक है। तो यहां पे देख ही सकते हो गाइस, और वो जो प्लेयर है गाइस उसका रैंक स्कोर थोड़ा कम है, वो गोल्ड का प्लेयर है, देखो मेरे फ्रेंड लिस्ट में ये बंदा है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ खेल के भी पुश कर सकते, इनका भी प्लस होगा, मेरा भी प्लस होगा, प्लस लॉबी भी थोड़ा वीक आएगा, है कि नहीं, थोड़ा सा वीक लॉबी आएगा, थोड़ा मजा भी आएगा खेलने में। आप लोग देखो गोल्ड का प्लेयर अच्छा खासा खेलता है, ठीक है, उतना भी नहीं खेल सकता लेकिन तभी मैं मानता हूं गाइस, इनसे गाइस हम लोग को गाइस थोड़ा वीक लॉबी तो मिलेगा। अब देखो मैंने स्टार्ट कर दिया, अब देखे काम करता है कि नहीं, वो भी बात है ना। तो देखो आपको बस फ्रेंड लिस्ट से एक बंदा ढूंढना है जो थोड़ा सा वीक हो, तो मैंने इस बंदे को ढूंढा जो मेरा टीम में था, मतलब फ्रेंड लिस्ट में था, जो वीक था। अब देखो यहां पे ओपोनेंट का ग्रुप देखना गाइस, ठीक है, ओपोनेंट का गाइस स्कोर देखना। जैसे मैंने ओपोनेंट का स्कोर खोला, यहां पे देखो डायमंड 3 आया, मेरा भी डायमंड 3 है, उनका भी डायमंड 3 है, मतलब एवरेज रैंक कम है सबका, ठीक है, यहां पे वीक ओपोनेंट आया है, आप लोग बोल सकते हो गाइस। तो ये ट्रिक बहुत ही मजेदार है, मैंने इस ट्रिक को वापस से किया तो वापस से मुझे सेम यही चीज मिला, एंड मैंने विक्ट्री भी किया बहुत सारे गेम में, इसे यहां पे 2 गेम विक्ट्री किया है। तो मैं बोलूंगा ये ट्रिक भी परफेक्ट है आप सभी के लिए,
बस आपको ऐसा टीम में ढूंढना है जिसका थोड़ा रैंक स्कोर कम हो, आपके फ्रेंडलीस में ही देखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे। दोस्तों पीसी प्लेयर का नाम सुना है? हाँ, तो पीसी प्लेयर भी ग्रुप में बहुत आते हैं आपका टीम में, मुझे पता है। आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर फ्रेंडलीस में पीसी प्लेयर है तो अच्छी बात है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर नहीं है तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों मैं अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते मैंने एक पीसी प्लेयर ढूंढ लिया। अगर आपको भी पीसी प्लेयर चाहिए तो आप लोग भी खेलो जितना हो सके, एंड एक पीसी प्लेयर के साथ बस खेलोगे ना तो उनके साथ ही गाइस खेलते खेलते आप बहुत सारे फ्रेंड बना सकते हो पीसी प्लेयर का, ठीक है? तो कैसे भी करके एक पीसी प्लेयर बस ढूंढो, उससे आप लोग बहुत सारे पीसी प्लेयर फ्रेंड बना सकते हो। तो मैंने एक बंदा ढूंढा, उसको मैंने बोला कैन वी प्ले एक साथ, ठीक है, मतलब कैन आई प्ले विथ यू। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, अब उनका मैसेज आता है ओके। अब यहां पे मैंने बोला इनवाइट, अब उसने बोला है यहां पे आओ। तो देखो गाइस इनके साथ हम लोग खेलेंगे, ओके। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इनके ग्रुप में गए, अब देखो मेरा फ्रेंड भी है ऑगी भाई, इनके साथ ही हम लोग खेलेंगे, ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे गेम को। तो भाई को मैंने माइक ऑन करके बोल दिया है भाई स्टार्ट कर दो। देखो पीसी प्लेयर के साथ खेलने से ना एक फायदा ये होता है कि यहां पे ना गाइस थोड़ा सा ओपोनेंट ना गाइस बहुत वीक आता है, हो सकता है गाइस डायमंड का है, हो सकता है ब्रोंज का भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा हार्ड लॉबी भी आ जाए, लेकिन यहां पे मैक्सिमम केसेस में यही होता है, थोड़ा वीक ओपोनेंट आता है, पीसी प्लेयर के साथ खेलने से ही आता है। ये बहुत बड़ा मीथ है, कंफ्यूजन है कि पीसी प्लेयर एक बहुत अच्छा ओपोनेंट के साथ खेलते, तो ऐसा बात नहीं है। देखो बैक करने की बात, एक ग्लिच आता है, बैक मत करो गेम को गाइस, ये बहुत दिक्कत है, गेम को बैक कर करके खेलोगे तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए गाइस जो मिलता है गाइस आपको वही खेलो। मैं आपको फेयर गेम प्ले ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? यहां पे देखो ओपोनेंट में डायमंड 3 का प्लेयर आया, मतलब एवरेज रैंक है, और मेरा हीरोइक का एवरेज रैंक, मतलब बोल सकते हो हम लोग का लोबी थोड़ा हार्ड है, उन लोग का लोबी थोड़ा वीक है बोल सकते हो, ठीक है? तो ये ट्रिक वर्क हो रहा है, तो आप लोग भी वर्क करवा सकते हो। कमेंट बॉक्स में क्या आप मेरे लिए आई लव स्केयरक्रो गेमिंग लिख सकते हो, देखते गाइस कौन कौन लिखता है।